आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। दोपहर के बज रहे हैं तो, और उससे भी अच्छी बात ये है कि आज हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं जो राजस्थान में। अब हम तैयार हो गए हैं, बस घर में ताले वाले लगाने की जरूरत है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। गाइस हमको घर से निकले हो करीब 2.5 घंटा हो गया। ये पीछे हमारी कार है खड़ी हुई है, अंदर पापा हैं, निकल रहे हैं इधर, ये श्याम भैया हैं, गौरव भैया हैं, शुरू अंदर ही है, और हमको भूख लगती है तो अब हम यहाँ पर खाना खाएंगे। उसका नाम है देव रिसॉर्ट। खाना खाने का फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना सर देख रहे चुलबुल अंदर ही बैठा है। लाला आओ, वो गुस्सा हो गया, उसका कुछ पता ही नहीं है मूड का कब गुस्सा हो जाए। लाला आ जाओ, आओ। गाइस अब हम लोगों ने खाना खा लिया, वरना ना आवाज नहीं निकल रही थी हमारी तो सबकी किसी की भी। आप देखो गौरव भैया कितनी तेज तेज बोल रहे हैं। सच में हमको बाकी में भूख लगी थी क्योंकि 2-2.5 घंटा हो गया था, और बल्कि सुबह का ही हम खाना खा के चले थे। अब हम सीधा जाके मेहंदीपुर बालाजी जाके रुकेंगे। फाइनली अब हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए हैं, और ये जो सामने होटल दिख रहा है इसमें हम रुके हुए हैं। बहुत बढ़िया। आज तो मौसम 3 घंटे हम आज पहली बार लगा वाला जी कितनी भूल होती है, हमें आज तक कमरा लेने ही पड़ा था। गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे आज भी इसलिए है क्योंकि कल ना गुरु पूर्णिमा है ना, तो यहाँ पे बर्फानी बाबा का आश्रम है तो उस वजह से और यहाँ पे भीड़ है, काफी भीड़ है देखो। यहाँ पे लोग वरना ही पहले से ही आ गए हैं क्योंकि अभी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने हूँ। देखो यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ पे ना ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे लोगों पे जो दूध बाधा होती है वो यहाँ पे लोगों को छोड़ती है। तो देखो मैं आपको बैक कैमरे से वही दिखा दिए जा रही हूँ। जय माता दी, जय बालाजी। गाइस हम अब उठ गए हैं सो करके, जब मेरे पापा चाय लेने गए हैं पड़ा हुआ शुभ हो गया है। अब हम नहा लेंगे, नहाने के बाद फिर हम जाएंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए गाइस। और मैं आपको इस कमरे में हम रुके हुए थे, एसी का रिमोट ये रखा हुआ है एसी का। देखो मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ। ये ऑन ऑफ करने वाला, बंद क्यों कर रहे हो? जिस जगह हम रुके हुए हैं वहां
यहाँ का व्यू है पीछे की साइड का ना, काफ़ी भीड़ है क्योंकि गुरु पूर्णिमा की वजह से। देखो यहाँ पे ना बस भी खड़ी हुई है, देखो कितनी सारी बस खड़ी हुई है यहाँ पे। आओ लाला अंदर आ जाओ लाला। तो गाइस अब हम चाय का वेट कर रहे हैं, चाय मिल जाए उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद फिर हम दर्शन करने जाएंगे। पहले यहाँ पर बर्फानी बाबा है ना, उन बाबा के आश्रम जाएंगे। हाँ पीछे है तो वो दिख रहा है सब, यहीं से तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा मटकू है, मेरे मोटू राम है, मोटू मेरे मोटू मोटू है मोटू। भूख लगी, अभी पापा चाय लेके आ रहे हैं। चाय नहीं पी रहा तो बिस्किट खा लेना, तो और क्या चाहिए। गाइस अब हम बात होके कितनी हो गए हैं, अब तैयार हो गए हैं, अब हम बर्फानी बाबा के आश्रम जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। और पापा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि पापा को अभी मोटी नहीं आई है, तो पापा और गौरव भैया कमरे में ही हैं। और जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं बर्फानी बाबा के आश्रम में, वहाँ पर शायद पापा पहुँच भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये लोग जा रहे हैं, मैं सुंदर सुंदर के पापा और श्याम भैया। आराम से धीरे धीरे नहीं चल सकता है लड़की, तू बुद्धू तू बुद्धू तू 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 शैतान लड़के। अभी रुक जा, मैं लड़की हूँ तेरी मम्मा हूँ, समझ आए गाइस। अभी हम बर्फानी बाबा के आश्रम में ही है, ये देखो। और इधर ना शायद प्रसाद भी मिल रहा है, देखो इधर अंदर भीड़ है, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। और पीछे ये दीदी है, और दीदी तो शायद 2-3 पहले की आई हुई है, पीछे रुकी हुई है, रात को उसी में सोती है। देखो वहाँ पर आश्रम दिख रहा है, बहुत बड़ा आश्रम है। हम तो बस बिल्कुल अभी इस वाले गेट से आए ही है, अभी तो अंदर शर्मा पास ही है, पूरा देखा ही नहीं है। क्यों प्रसाद में क्या मिल रहा है, ये क्या है, प्रसाद दे दो प्रसाद दे दो। कह रही है लो प्रसाद ले लो। अभी हम बर्फानी बाबा के आश्रम में ही है, देखो कितना सुंदर बना हुआ, बहुत सुंदर है। उधर आगे ना कीर्तन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। क्या है बे, पत्ता पीछे की भी लिमिट होती है, और काफी बड़ा है, उधर भी बना हुआ है। अभी भी बालाजी महाराज के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो फिर हम बर्फानी धाम से ही उनके दर्शन करके ही हम वापस आ गए। अभी अभी बालाजी महाराज पे ना बहुत भीड़ हो रही थी मंदिर में, काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो हमने सोचा थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तब फिर हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन तो बालाजी महाराज के। अब हम जा रहे हैं होटल से निकल के, अपना सामान भी अब हम ले लिया है, और अब हम यहाँ से बात सॉरी मैं तो बालाजी के दर्शन करके सीधे फिर हम चल जाएंगे यहाँ से, और देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं कि हम वहाँ ले जाते हैं, अभी कुछ बता नहीं हमारा। बाय कर दो, कह दो फिर आएंगे, तुम आना ठीक है।
बाय बाय गर्मी। चलो मम्मी। गाइस फाइनली अब हम बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए अब हम आ गए हैं और देखो अभी भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और हम भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे जब हम 12 बजे आए थे ना तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही थी, मतलब मार्केट से ही लंबी लाइन लग रही थी। और उसके हम एक घंटे बाद आए हैं और अभी भी देखो मैं आपको थोड़ा अंदर दिखा दूँ, दिख भी रहा होगा, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए महाराज जी के। गाइस मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे अंदर जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी अंदर गलियारा बना दिया गया है जिससे भक्तजन को दर्शन करने के लिए दिक्कत ना हो। गाइस आप लोग मंदिर प्रांगण की सजावट आप देख सकते हो कितनी सुंदर है। और गाइस देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे फोटोग्राफी करना मना है। तो गाइस मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपको बालाजी महाराज के दर्शन नहीं करा पाऊँगी। हाँ ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए बालाजी महाराज के ज़रूर आइएगा। ये बहुत पुराने पहाड़ है यार पापा। देख ले पापा। बहुत पुराने हैं ला। हैं? बहुत पुराने पहाड़। जब पृथ्वी बन रही थी उसकी। उसकी। टूट गई ऊपर में देखियो। ऊपर पानी लगा हुआ है वो सामने। गाइस हम हनुमान बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद फिर हम कैला मैया के दर्शन करने भी आए हैं। ये देखो एक मिनट बैक कैमरे, ये देखो लिखा हुआ है। वहाँ से ज़्यादा टाइम ही लगा, मुश्किल से 2 या 2.5 घंटा ही लगा है। रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं सो गई थी रास्ते में, इसलिए मैंने बता नहीं पाया। अभी लेते हैं। मैं यहाँ पे ना दूसरी बार आई हूँ, पर पहले भी आई हूँ लेकिन मैं अपने घर से आई थी, मतलब शायद 2-3 साल हो गई मैं जब आई थी, लेकिन मेरे घर से यहाँ पे नेजा आया था तब मैं आई थी यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, ये देखो चलने में थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है जैसे वैष्णो देवी पे चढ़ाई करते हैं, थोड़ी ऐसी चढ़ाई है लेकिन वैष्णो देवी पे प्लेन नहीं होता है ना कई कई जगह पे, यहाँ पे प्लेन है सारा। गाइस ये देखो यहाँ से एंट्री है और ये यहाँ पे ये हमारे पापा हैं व्हील चेयर पे। लाला चलो गाइस मैं आपको बता, हमने बालाजी महाराज के ना बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छे से। गाइस अंदर ना मंदिर प्रांगण में ना मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, फोटो वगैरह खींचना सब मना था, तो इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई कैला मैया के। लेकिन आप बाहर का नजारा आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत है, ये वाली यहाँ पे काफी लोग तो जब यहाँ से जाते हैं ना चूड़ियाँ पहन पहन के जाते हैं, ये हरी वाली। दर्शन करके और हम वहाँ से इतनी दूर चल के हम अपनी कार के पास खड़े हुए हैं और अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे मैनपुरी और रास्ते में खाएंगे खाना। अभी हमने गोलगप्पे खाए थे तो खा के बस सीधे आए हैं। गाइस शाम के 7:20 हो रहे हैं और हम फाइनली दर्शन करके अब हम वापस घर जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं हमने कितनी जगह दर्शन किए। सबसे पहले हम गए थे, कहाँ पे गए थे नहीं गए थे कहाँ गए थे मेहंदीपुर बालाजी गए थे और वहाँ पे बर्फानी धाम था, उस आश्रम में भी हम गए थे। उसके बाद फिर हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए
उसके बाद वहीं से वहीं पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था, 100 किलोमीटर था शायद, है 100 किलोमीटर के आसपास। वहाँ कैला मैया का मंदिर भी था, तो हम वहाँ पर भी गए थे जो करौली में पड़ता है। तो फिर हम वहीं से अब वापस लौट रहे थे, और रास्ते में देखो हमको इतनी बड़ी, हम तो इससे पहले झील समझ रहे थे, ये इतना सारा पानी भरा हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पे आके पता चला ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पे लिखा हुआ है ये ताल है। ये कौन सा ताल है? निवी का ताल, निवी का ताल बोलते हैं इसको। लेकिन ये इतना बड़ा ताल है, देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, ये देखो यहाँ से इसका कुछ लास्ट ही नहीं, हमको एंड ही नहीं, इसका दिख ही नहीं रहा है। गाइस यहाँ पे मैं अलग से ऑडियो अपनी दे रही हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि इस जगह के बाद मैंने आगे का ना तो मैंने कोई ब्लॉग बनाया, घर पहुंचकर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी जब हम घर पहुंचे थे अपने, तो करीब रात के 2:30 बज रहे थे। तो गाइज़ रात को हम लोग भी बहुत थके हुए थे। तो गाइज़ आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।